यस, आज हम कक्षा 10 विषय गणित में अध्याय 10 बिंदु पथ के अंतर्गत उदाहरण नंबर 2 एज ए प्रमेय सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। माध्यिकाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो वो क्या किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज की। तो त्रिभुज अपन ने बना लिया एक त्रिभुज एबीसी, इसमें क्या कह रहा है कि जिसकी तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हों। तो माध्यिकाएं किसे कहते हैं? किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसकी सम्मुख भुजा से, सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। तो ये बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दिया हुआ है अपन को, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने पास में? एक त्रिभुज एबीसी जिसमें एडी, बीई व सीएफ माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, और एडी बराबर बीई बराबर CF, यानी AD, BE व CF माध्यिकाएं हैं जो तीनों बराबर हैं। सिद्ध करना है अपन को क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अर्थात हमको सिद्ध क्या करना है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब देखें हम उपपत्ति, उपपत्ति AD, BE व CF माध्यिका हैं जो एक दूसरे को कहां पर मिलती हैं? बिंदु G पर। तो G क्या हो गया? इस त्रिभुज का केंद्रक, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चूंकि केंद्रक त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो विभाजित कर रहा है तो क्या होगा कि हमें देखिए दे क्या रखा है? ए डी बी ई और सी एफ। तो हमें ए डी, इसलिए ए डी अपॉन ए जी, ए डी देखो 2:2, ए जी 2 में हो गई, जी डी 1 हो गई, तो ए डी कितनी हो गई? 3/2 या AD बराबर 3/2 AG। इसी प्रकार BE बराबर हो गया 3/2 BG, और सी एफ बराबर हो गया 3/2 सी जी। ये हुआ हमारा फर्स्ट
ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कोई भी दो सम्मुख त्रिभुजों को यदि सर्वांग सम कर दें, चाहे ये बी जी एफ सी जी ई ले लो, चाहे ए जी ई और बी जी डी ले लो, इनको सर्वांग सम करने से क्या मिलेगा अपन को, बी डी बराबर ए। अब इन्हें सर्वांग सम करना है तो ये इसके बराबर करनी होगी और जी डी जी ई के बराबर करनी होगी। तो ये तो अपन ने तीनों ए डी बी ई और सी एफ में परिवर्तित कर लिया। हाँ, तो अब हमको दिया क्या है, परंतु दिया है, क्या दिया है, ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ, फर्स्ट सेकंड व थर्ड से देखें, ए डी का मान 3/2 ए जी बराबर 3/2 बी जी बराबर 3/2 सी जी, 3/2 से 3/2 कटा तो ए जी बराबर बी जी बराबर सी जी, ये अपनी बात हो गई फोर्थ नंबर की। अब इसी प्रकार से हम अनुपात निकालें, किसका, ए डी का अनुपात किसके निकाल, किसके साथ निकालें, जी डी के साथ में, तो ए डी बराबर, क्योंकि चलो एक निकाल लें, ए डी अपॉन जी डी बराबर 3/1, तो आगे ए डी बराबर 3/1 यानी 3 जी डी। इसी प्रकार बी ई बराबर 3 जी ई, 3 जी ई, और सी एफ बराबर 3 जी एफ, 3 जी एफ। तो अब इन तीनों से वही क्योंकि दिया हुआ है अपन को क्या, ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ, तो इसका मान रखते हैं, ए डी का मान 3 जी डी, 3 जी ई बराबर 3 जी एफ, 3 से 3 कटा तो जी डी बराबर जी ई बराबर जी एफ, ये बात नंबर हो गई अपनी 5, समीकरण नंबर 5। अब देखें अपन कि हमने जी डी को जी ई के बराबर कर लिया, एफ जी के बराबर कर लिया, ए जी को बी जी के बराबर और सी जी के बराबर। तो अब हम कोई भी त्रिभुज लें, दो सम्मुख त्रिभुज, तो त्रिभुज अब आपकी जो इच्छा हो, ये नहीं कि जो किताब में दे रखा है, ये त्रिभुज दोनों ले लो, ये ले लो, कोई से भी दो त्रिभुज ले लो। तो अपन ये ले लेते हैं, कौन से लें, बी डी जी, त्रिभुज बी डी जी व त्रिभुज ए ई जी, ए ई जी में बात करें अपन, तो क्या हुआ, देखो बी जी बराबर ए जी, फोर्थ से समीकरण नंबर 4 से, और जी डी बराबर, जी डी बराबर जी ई,
समीकरण नंबर 5 से, 5 का है जी डी बराबर जी ई, दो भुजाएं हो गई, तीसरी भुजा हमें सिद्ध करनी है बराबर, तो उसको ले ही नहीं सकते, तो ये कोण और ये कोण, तो एंगल बी जी डी बराबर एंगल ए जी ई। क्यों? देखिए जब दो भुजा दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये हो गए कोणों, कारण क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तीन बातें हो गई, इसलिए त्रिभुज बी डी जी सर्वांग सम त्रिभुज ए ई जी, नियम लगा एस ए एस, सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए बी डी बराबर ए ई, बी डी बराबर ए ई। अब चूंकि ए डी क्या है? माध्यिका, तो डी बी सी का क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार से बी ई माध्यिका है, तो ई ए सी का क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो यह हम कह सकते हैं बी डी बराबर एक बटे दो बी सी बराबर एक बटे दो ए सी, एक बटे दो से एक बटे दो कटा, तो ये आ गया हमारा बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी, ये बात नंबर 6। अब दूसरे त्रिभुज ले लीजिए। अभी अपन ने ये त्रिभुज ले लिया जिसमें बी सी आ गई, और ये ले लिया इसमें ये आ गई, तो अब ये दो त्रिभुज ले लें अपन, ये ले लो ए बी जी एफ, त्रिभुज बी जी एफ, बी जी एफ और सी जी ई, वह त्रिभुज सी जी ई में क्या हुआ? वही बी जी बराबर सी जी, बी जी बराबर सी जी, किससे? फोर्थ से, और एफ जी बराबर जी ई, एफ जी बराबर जी ई, ये 5 से, समीकरण 5 से, और कोण बी जी एफ, बी जी एफ बराबर कोण सी जी ई, सी जी ई शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज बी जी एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी जी ई, वही एस ए एस नियम लगा है, सी पी सी टी से क्या हो गया? बी एफ बराबर, बी एफ बराबर बी एफ बराबर सी ई, सी ई, बी एफ बराबर सी ई। अब या अब वही बी एफ क्या है? माध्यिका, तो एक बटे दो ए बी बराबर एक बटे दो ए सी, एक बटे दो से एक बटे दो कटा, ए बी बराबर ए सी, ये बात नंबर 7। अब देखिए 6 व 7, बी सी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए सी, तो 6 व 7 से ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था।
अब आप देखें उदाहरण नंबर 3 जो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें केवल दो माध्यिकाएं दे रखी हैं, तो उसे जब ये कर लिया है तो यही सेम तरीका लगेगा और उसको आप कर सकते हैं। अब मैं ले रहा हूं प्रश्नमाला 10.2 जिसमें है अपना पहला क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों शीर्षों तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखो। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या हो गया, उस त्रिभुज का परिकेंद्र और भुजाओं से अंतःकेंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नमाला 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबीसी में एडी बीई और सीएफ, बीई और सीएफ माध्यिकाएं जो जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो एजी बराबर अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बीई बराबर दे रखा है अपन को 9 सेंटीमीटर और जीएफ बराबर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें जीडी ज्ञात करना है, बीजी ज्ञात करना है और सीएफ ज्ञात करना है, ये तीनों चीजें ज्ञात करनी हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो दे रखे हैं माध्यिकाएं वो कहां प्रतिच्छेद कर रही है, जी पर, और जी क्या कहलाता है, केंद्रक। तो हल कर रहे हैं अपन केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब इसी को आधार मानते हुए आप लें कि हमको ज्ञात तो क्या है और अज्ञात क्या है, तो अज्ञात बटे ज्ञात जी डी, जी डी कौन सी लाइन पर है, एडी पर, और एडी पर दे क्या रखा है हमको एजी, तो जी डी बटे एजी बराबर जी डी कितनी हो गई 1, एजी का अनुपात जी डी एजी सॉरी मान दे रखा है अपन को एजी का अनुपात कितना हो गया 2, तो जी डी बराबर 1/2 गुणा एजी, 1/2 गुणा एजी का मान दे रखा है 6, 2 × 3 = 6, तो जी डी की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। यहां आइए बीजी, बीजी कौन सी लाइन पर, बीई की पर, माध्यिका बीई पर, तो चूंकि बीजी अपॉन, अब बीजी की लाइन पर क्या दे रखा है बीई, बीई बीजी 2/3, तो बीजी बराबर हो गया 2/3 गुणा बीई, और बीजी बराबर हो गया 2/3 गुणा बीई का मान दे रखा है 9, 3 × 9, तो यहां आ जाए अपन बीजी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर सीएफ, क्योंकि सीएफ, अब सीएफ पूरी माध्यिका है और इसका क्या भाग दे रखा है हमको जीएफ, सीएफ बटे जीएफ, सीएफ 3 हो गई और जीएफ कितनी हो गई 1, तो सीएफ बराबर 3 गुणा जीएफ, तो सीएफ बराबर 3 गुणा 4.5, तो सी एफ बराबर 3 से गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 1 × 13 13.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहां अपन ने इनका मान निकाल लिया है। यस, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में
ए बी सी में ए डी बी ई व सी एफ, ए डी बी ई व सी एफ माध्यिकाएं हैं जो कहां संगमन करती हैं, जी पर, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है तो देखें हमको दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिस में ए डी बी ई व सी एफ माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हैं, करती हैं। सिद्ध करना है AD प्लस BE बड़ी है 3/2 AB से, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए उपपत्ति, उपपत्ति वही केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, परंतु उससे पहले हमारे सामने ये जो चिन्ह है बड़ा है, ये केवल एक ही प्रमेय से आता है, कक्षा 9 में जो पढ़ी है हमने कि त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अपन कौन से त्रिभुज में जाएं जिसमें ए बी भुजा आ जाए और दो माध्यिकाओं के टुकड़े आ जाएं, तो त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में क्या करें हम, ए जी प्लस बी जी बड़ी होगी किससे, ए बी से। ये समीकरण हमारी फर्स्ट, यहां कारण दे दीजिए, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अब देखिए हमें लाना है AD और आ क्या गया AG, तो AG और AD में कोई संबंध है क्या, और वो संबंध कौन व्यक्त करता है, केंद्रक। तो अब हमको वो फिर में लिखनी होगी, क्योंकि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए किसे हटाना है हमें, एजी को, और लाना क्या है एडी, तो एजी बटे एडी, एजी का अनुपात कितना हो गया 2/3, या एजी बराबर
2/3 AD। ये बात हमारी हो गई समीकरण सेकंड। पुनः दोबारा से देखें, बीजी लाना है, बीजी को हटाना है और लाना किस में है, बी के रूप में। तो बीजी अपॉन बीई बराबर वही 2/3, तो बीजी बराबर 2/3 BE। ये हमारी थर्ड हो गई। सेकंड वे थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर, रखो फर्स्ट कहां है, ये रहा AG बराबर 2/3 AD प्लस 2/3 BE, बड़ा है किससे, AB से। अच्छा जी, 2/3 कॉमन ले लिया, 2/3 AD प्लस BE बड़ा है किससे, AB से। अब 2/3 का पक्षांतरण कर दीजिए, उधर संख्या जाएगी तो कैसे जाएगी, पलटकर, या 2/3 को उधर ले जाना है, तो बचा क्या अपने पास में, AD प्लस BE बड़ी होगी, 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 AB इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4/5 देखिए, जो बिल्कुल इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़कर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 5 बिल्कुल ही ऐसा है, दोनों का एक ही क्रम है, इसलिए पहले मैं 5 हल कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में ADBE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था वही 5 है, थोड़ा सा फर्क है। त्रिभुज ABC में ADBE और CF, ADBE व CF G पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है, 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3 AB प्लस BC प्लस ACC। तो आप देखें क्या देख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर, आप उपपत्ति देखें, उपपत्ति वही, सबसे पहले AD BE CF और इधर तीनों भुजाएं, यानी सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं त्रिभुज ABG में, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखें AG प्लस BG बड़ा है किससे, AB से। ये बात नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। त्रिभुज BCG में क्या हो गया, BG प्लस CG बड़ा है
BC से सेकंड हो गई। इसी प्रकार त्रिभुज ACG में क्या हो गया, AG प्लस CG बड़ी हो गई AC से। ये बात नंबर थर्ड। तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, AB प्लस BC प्लस AC, तो इन सब को जोड़ दें, फर्स्ट सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर जोड़ें तो देखें इधर लेफ्ट हैंड में AG और AG दो AG, BG और BG दो BG, CG और CG दो CG, तो दो कॉमन ले लिया, AG प्लस BG प्लस CG बड़ी है किससे, AB प्लस BC प्लस AC। ये आ गई अपनी समीकरण फोर्थ। अब देखें अपन, अब किसका मान निकालना है अपन को, यहां AG BG CG आ गए, वही AD BE CF लाने हैं, तो अब वही चूंकि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, करता है, तो अब इसलिए AG बटे AD बराबर 2/3 या AG बराबर 2/3 AD। इसी प्रकार BG बराबर 2/3 BE और CG बराबर 2/3 CF। इन तीनों का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, तो दो तो बाहर है ही कॉमन, AG की जगह रख दें 2/3 AD, 2/3 BE प्लस 2/3 CF बड़ा है AB प्लस BC प्लस AC। अब 2/3 कॉमन आ गया तो क्या हो गया, 4/3 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है AB प्लस BC प्लस AC, या 4 को इधर रहने दें, AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है, 3 नीचे से इधर गया तो कहां जाएगा, ऊपर, AB प्लस BC प्लस AC इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।